नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड की खबरों में। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से, जो कि देहरादून से आ रही है। बीजेपी की बैठक का दूसरा दिन, प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम हुए शामिल, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्टू भी हुए मौजूद, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी की शिरकत। चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक, पार्टी के आगामी कार्यकर्ता भी चर्चा। बीजेपी की बैठक का दूसरा दिन, प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम हुए शामिल, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्टू भी रहे मौजूद, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी की शिरकत। चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक, पार्टी के आगामी कार्यकर्ता भी रहे चर्चा में मौजूद। उद्यान विभाग में करोड़ों का घोटाला सामने आया है, जिस पर महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि सीबीआई में अधिकारियों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ये अधिकारी बहुत ही छोटे प्यादे हैं। अगर जांच इस मामले की तह तक की जाए तो इसमें और भी कई बड़े नाम सामने आएंगे। सीएम से मांग करते हुए उन्होंने कहा कि साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि बीजेपी में अब नैतिकता बची ही नहीं है, मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करके मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए। देखिए, जैसे कि आपको विदित है, उद्यान विभाग में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। सीबीआई ने कुछ अधिकारियों पे मुकदमे दर्ज करे हैं। ये अधिकारी बहुत छोटे प्यादे हैं। इनकी आज अगर जांच की जाए तो बहुत दूर तक जाएगी। हमारी मुख्यमंत्री से मांग है कि नैतिकता के आधार पे गणेश जोशी से इस्तीफा मांगना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है नैतिकता की ना भी इनमें नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करके इनसे इस्तीफा लेना चाहिए। ये हमारी मांग है, इसलिए आज हम लोगों ने विरोध दर्ज कराया है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, ऋषिकेश से एम्स पहुंचे यूपी के सीएम योगी, मां से मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, डॉक्टर से जानेंगे मां के स्वास्थ्य का हाल, कई दिनों से एम्स में भर्ती हैं सीएम योगी की मां। रुद्रप्रयाग सड़क हादसे के घायलों से भी मिलेंगे सीएम योगी। एम्स पहुंचे यूपी के सीएम योगी, मां से मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, डॉक्टर से जानेंगे मां के स्वास्थ्य का हाल। कई दिनों से एम्स में भर्ती हैं सीएम की माता, रुद्रप्रयाग सड़क हादसे के घायलों से भी मिलेंगे सीएम योगी। खिरसू कठोली लिंक मोटर मार्ग पर एक कार के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से दो बच्चों के चार लोगों के हताहत होने की सूचना मिली है। ये मोटर मार्ग लिंक है जो कठुली गांव को श्रीनगर से जोड़ता है। मिली जानकारी के मुताबिक कार खिरसू से कठुली गांव को जा रही थी। बता दें कि इस घटना में कुछ और लोगों के घायल होने की भी आशंका है। फिलहाल बचाव और राहत दल मौके के लिए रवाना हो गए हैं।
खिरसू कठोली में वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हादसे में दो बच्चों समेत चार लोगों की मौत की सूचना सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि खिरसू कठोली लिंक मोटर मार्ग पर एक कार के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से दो बच्चों सहित चार लोगों की हताहत होने की सूचना है। मिली जानकारी के अनुसार ये कार खिरसू से कठोली गांव को जा रही थी। इस घटना में कुछ और लोगों के घायल होने की भी आशंका है। खबर दिनेशपुर से है, जहां फिल्मी एक्टर और रंगकर्मी सुबीर गोस्वामी के निधन से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। बता दें कि सुबीर गोस्वामी काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और परिजन सुशीला तिवारी उन्हें लेकर हॉस्पिटल के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि सुबीर गोस्वामी ने बैरी जोन के इंस्टीट्यूट से एक्टिंग कोर्स किया था और उसके बाद मुंबई में किस्मत आजमाने के लिए पहुंचे, जहां बड़े पर्दे पर एक फिल्म हॉस्टल में उन्होंने अभिनय भी किया। उसके बाद मिशन टाइगर मूवी में भी काम किया। इसके साथ ही कई सीरियल्स में भी उन्होंने काम किया और उसके बाद वापस दिनेशपुर आ गए। देखिए, सुबीर गोस्वामी जो है दिनेशपुर के एक वरिष्ठ रंगकर्मी थे, जिनकी भी आकस्मिक मृत्यु हो गई है। और अगर दिनेशपुर में थिएटर की बात करूं, नैनीताल और हल्द्वानी के बाद दिनेशपुर एक ऐसा छोटा सा कस्बा था जहां लोगों ने थिएटर की शुरुआत करी। और यहां थिएटर का जन्म सही मायने में अगर बताया जाए, डॉक्टर अभिजीत मंडल जी ने उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और अगर उसको मजबूती प्रदान की थी वो सुबीर गोस्वामी जी ने। और सुबीर गोस्वामी जी जो है, इन्होंने बैरी जॉन एक मशहूर डायरेक्टर, इनके दिल्ली से इन्होंने एक्टिंग कोर्स भी किया था और उसके बाद एक दो मूवी में भी इन्होंने काम किया था, जैसे हॉस्टल जो है इनकी एक फेमस मूवी थी। और इसके अलावा कई छोटे छोटे सीरियल्स में भी इन्होंने काम किए और उसके बाद फिर ये वापस घर आए थे और आने के बाद थिएटर के साथ फिर जुड़ गए थे। चिलचिलाती गर्मी में तन को राहत दिलाने के लिए इन दिनों लोग एक तो शरबत का मजा ले रहे हैं और दूसरा वाटर पार्क में डेरा जमाए बैठे हैं। हल्द्वानी में भी कुछ ऐसा देखने को मिला। वहां शहर के कुछ दूरी पर स्थित बेल बाबा मंदिर के पास स्थित वाटर पार्क में सुबह से ही लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। स्थानीय लोग और पर्यटन अपने बच्चों के साथ जमकर मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस दौरान लोगों ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हमने अपने मोबाइल में देखा था ना यहाँ का, तो बहुत चर्चा हो रहा था, बहुत अच्छा लगा। तो हल्द्वानी से आए हम लोग, ये हमारी भांजी मुरादाबाद चाहिए भी है, तो मामा बोली घुमाने ले चलो। तो मैंने चलो घुमा के ना आज नदी देख के आता हूँ पार्क कैसा वहाँ का। तो यहाँ पर आया तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगा। हल्द्वानी के काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, बहुत ही लोग हैं और यहाँ पर लगी अच्छा रहा। मैं तो आया हूँ वैसे मुंबई से और मेरे किसी मित्र के द्वारा मेरे को पता लगा यहाँ का। तो सर देख रहे हैं यार, जिस हिसाब से गर्मी दिन पे दिन बढ़ते जा रही है, खासतौर से उत्तराखंड में जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है दिन पे दिन, कल की डेट में मैंने देखा था 44.6 डिग्री टेम्परेचर हल्द्वानी का था। यहाँ आकर के बड़ी राहत मिली है डिज्नीलैंड वाटर पार्क में। ये जिस मित्र ने मेरे को सजेस्ट किया, मेरे को दिल से बड़ा उसके दुआ देता हूँ उसको, उसने मेरे को बहुत अच्छी जगह बताई है डिज्नीलैंड वाटर पार्क के बारे में, निकुंज पंत। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं हरिद्वार से आई हूँ अपने बच्चों के साथ अपने मम्मी पापा के घर। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया यहाँ पे एक न्यू वाटर पार्क खुला है, तो मैं अपने बच्चों को लेके आई हूँ। बहुत इंजॉय किया हमने यहाँ पे, क्लीन वाटर है एकदम फ्रेश और खूब मजा आ गया हमें। यहाँ वहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है और गर्मी से बिल्कुल राहत मिलती है। हम सुबह 10 बजे आ जाते हैं, शाम को 6 बजे रहते हैं। मैं 4-5 बार आ गई यहाँ पर, बहुत मजा आता है और फैसिलिटी बहुत अच्छी है। पानी भी गंदा नहीं कर रखा है, बहुत साफ है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों के लिए भी पूरी फैसिलिटी दी है, ट्यूब वगैरह सब कुछ फ्री है इसमें।
गर्मी से वाटर पार्क में मस्ती करते दिखे पर्यटन। वाटर पार्क में लोगों की उमड़ी भीड़। गर्मी से राहत के लिए वाटर पार्क पहुंचे लोग। वाटर पार्क में मस्ती करते दिखे पर्यटन। वाटर पार्क में लोगों की उमड़ी भीड़। हरिद्वार में सिटी वन में जल संरक्षण अभियान के तहत जल उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक मदन कौशिक, जिलाधिकारी धीरज सिंह, डीएफएफओ वैभव कुमार सहित जनप्रतिनिधि और विद्यार्थी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सिटी वाटिका में अर्जुन, बहेड़ा, आंवला, जामुन जैसे विभिन्न प्रजातियों के फलदार और पौधों को रोपा गया। इस अवसर पर विधायक मदन कौशिक ने कहा कि वर्तमान समय में जल स्तर लगातार घट रहा है, जो कि एक गंभीर समस्या है। विश्व के लगभग सभी देश जल की कमी से जूझ रहा है और आने वाले समय में जल के लिए युद्ध भी हो सकता है। उत्सव का कार्यक्रम यहाँ के जो हमारे अधिकारी हैं, जिलाधिकारी, यहाँ के हमारे डीएफओ, यहाँ के हमारे कृषि अधिकारी सबके माध्यम से एक पूरे प्रदेश के अंदर जो आयोजन हो रहा है उसमें हरिद्वार में आज आयोजन हुआ। कल मुख्यमंत्री जी ने देहरादून में इसकी शुरुआत की। सभी लोगों से अपील की कि हमें आने वाले समय में जल को किस प्रकार से ज़्यादा जो अपना भूगर्भ है उसको बढ़ाने का काम कर सकते हैं, हम लोग किस प्रकार से जल को जो उपयोग करने का कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या क्या सावधानी है, किस फसल को हम ले सकते हैं, किस फसल को नहीं लिया जा सकता है। भारत स्काउट्स गाइड का दल राजा जी टाइगर रिजर्व के दौरे पर पहुंचा। इस दौरान 13 राज्यों के 192 स्कूल के छात्रों ने वन जीव और जैव विविधता के बारे में जानकारी हासिल की। स्कूल के छात्रों ने रायवाला के से मोतीचूर तक पर्यावरण जागरूकता के लिए संरचना की। लोग सिर्फ पेड़ लगाने तक सीमित ना रहें, बल्कि लगाए गए पेड़ों की देखभाल भी करें, ऐसा सभी छात्रों ने कहा। ये लीलावेरी ट्रेनिंग सेंटर रायवाला में भारतीय स्काउट एंड गाइड का है। इसमें स्काउट एंड गाइड के अधिकारियों का दल एवं बच्चों का एक दल जो कि 13 राज्यों से यहाँ पर राजाजी टाइगर रिजर्व की जैव विविधता जानने के लिए यहाँ पर आया है। हमारे श्री आशीष गौड़बंदरों का है, उनके द्वारा राजाजी टाइगर रिजर्व के बारे में उनको विस्तार से जानकारी बच्चों को यहाँ पर दी गई है। एनवायरमेंट अवेयरनेस पर मतलब वर्क कर रहे हैं, उत्तराखंड में आए हुए हैं। इस टाइम पर जो है सभी लोग जो है वृक्ष काटते हैं अपनी नीड के लिए, मतलब जैसे चेयर हुआ, कोई मतलब अपने घर के काम के लिए। बट उन्हें ये समझना चाहिए कि जितना वो काट रहे हैं उससे कम से कम डबल नहीं तो उसके बराबर तो वो लगा सके। अगर वो एक पेड़ काट रहे हैं तो दो पेड़ लगाएं, जिससे कि वो आगे की जनरेशन को फायदा दे। अतिक्रमण को लेकर वन विभाग एक्शन मोड में है। वन विभाग भूमि पर कब्जा करने वाले कब्जाधारियों को लेकर सख्त रुख अपना रहा है। वन विभाग ने पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है। इससे पहले अवैध कब्जाधारियों को नोटिस जारी किया गया था। नोटिस के बाद भी वन भूमि की जगह खाली नहीं की गई। जो हमारे शासन की और माननीय न्यायालय की मंशा है कि हम वन भूमि पर या राजकीय भूमि पर जो भी अतिक्रमण हो रहा है उसको खाली कराया जाए, तो उसी क्रम में हमारे तरफ से जो कुछ चिन्हित क्षेत्र चिन्हित किए गए, जिसमें पुछड़ी हमारा रामनगर शहर के पास है, पुछड़ी क्षेत्र जो कि सबसे ज़्यादा संवेदनशील है अतिक्रमण की दृष्टि से, उसको खाली कराने का सबसे पहले हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और उसमें जो लगभग 1400 परिवार हैं वहाँ पर, उसमें से फेज वाइज हम कोशिश कर रहे हैं कि एक साथ पूरा वो ना करके जो लोग सबसे पहले किनारे पर बसे हुए नदी के ऐसे लगे हुए हैं पहले उनको, उसके बाद उनसे थोड़ा और ऊपर, इस तरह से फेज वाइज हम उसको हटाना चाह रहे हैं।
चुनाव के बाद बद्रीनाथ और मंगलोर विधानसभा सीट से उपचुनाव होने हैं, जिसे लेकर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बैठक में शामिल हुए। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान हमारे संगठन के जिन प्रमुख कार्यकर्ताओं को काम पर लगाया गया था, उनका हमने फीडबैक लिया है। पार्टी का कार्यक्रम पूर्ण निश्चित होता है। हर चुनाव के बाद हर विधानसभा की समीक्षा की बैठक थी। लगभग 5 माह से हमारे विस्तारक पूर्णकालिक कार्यकर्ता हर विधानसभा में थे, उनके अनुभव साझा हुए, जो बूथ जीते उसमें उनके द्वारा किस प्रकार के प्रयोग किए गए और जिन बूथों में कमी रही थी, कमी के क्या क्या कारक थे, उन सब विषयों की चर्चा इस बैठक में हुई। अभी कोर कमेटी की बैठक होगी, कोर कमेटी की बैठक में भी हम और विषयों पर चर्चा करेंगे। इनके द्वारा आया हुआ जो फीडबैक है, उस फीडबैक की वहाँ पर चर्चा करेंगे और आगामी दिनों के जो हमारी जो विधानसभा के बाई इलेक्शन होने हैं, उन बाई इलेक्शन संदर्भ में कोर कमेटी की बैठक में चर्चा करने वाले। देखिए, चूंकि हमारी संगठन की योजना है, उसमें हमारे बहुत सभी विधानसभा क्षेत्रों में, लोकसभा क्षेत्रों में हमारे प्रमुख कार्यकर्ता जो संगठन के द्वारा उस समय जिनको काम पे लगाया गया था, उनके फीडबैक हैं और आगे हम किस प्रकार से जहाँ भी और हमें कुछ काम करने हैं, वो कैसे काम करेंगे और जो अच्छा काम किया उन सबको हम लोगों ने यहाँ पर आज साथ में मिलके उसका भी एक तरह से चिंतन भी किया है, सबको बधाई भी दी है और आगे जो काम करने हैं उसकी भी रचना तैयार है। रुद्रप्रयाग में सड़क हादसे के दौरान कई लोग घायल हो गए थे, जिनका एम्स में उपचार चल रहा था। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घायलों का हाल जानने एम्स पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों से बातचीत की। साथ ही डॉक्टर्स को घायलों के उपचार में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करने के लिए निर्देश भी दिया। सीएम ने कहा कि सुरक्षित और सुगम यात्रा सरकार का दायित्व है, साथ ही साथ सड़क हादसे की जांच के निर्देश के लिए दिए गए हैं। घटना में जिन लोगों की मौत हुई है, उनके परिजनों के साथ सरकार खड़ी है। घायलों के उपचार में भी किसी भी प्रकार की कमी सरकार नहीं करेगी। बता दें कि रुद्रप्रयाग सड़क हादसे में अभी तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। उनके परिवार के साथ अनुसूचना की जा रही है, जानकारी करके और जैसे मिल जाएगा आगे का इलाज उनका अच्छा हो, उसके लिए सारे समुचित प्रबंध यहाँ अस्पताल प्रबंधन किए हैं। और सर, दुर्घटना में लापरवाही सामने पाई तो कोई कार्रवाई होगी इनकी? लापरवाही जांच के आदेश थे सर। इसका टीम का क्या है, कितनी टीम इनकी देख रेख उसमें है, उपचार में क्या टीम बनाई गई है कोई? नहीं नहीं अच्छा उपचार यहाँ पर अभी जो भी उपचार के लिए जरूरी है, यहाँ पर सभी डॉक्टरों की टीम और काम। इंडियन किसान यूनियन का हरिद्वार में राष्ट्रीय अधिवेशन समापन हो चुका है, जिसमें कई प्रस्ताव पारित किए गए। इसमें इंडियन किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तराखंड के पूर्व राज्य मंत्री राजकुमार वालिया ने कहा कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर उन्हें इंडियन किसान यूनियन की ओर से बधाई। हमें विश्वास है कि अब भारत के किसानों का विकास तथा उनकी समस्याओं का निदान किया जाएगा। सबसे पहले मैं इंडियन किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते सभी पदाधिकारियों का, जो हमारे बाहर के यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ के हैं अतिथिगण हैं, सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे चौधरी अजीत सिंह जी हैं, जो दर्जा यहाँ मंत्री भी हैं, रेशम फेडरेशन के चेयरमैन हैं, उनका भी स्वागत है। बड़े नेता सरवाल भी अभी आए थे, चले गए, उनका स्वागत है। और जो हमारे विभिन्न प्रदेशों के अध्यक्ष आए हैं, जैसे राजस्थान के हैं, कर्नाटक के हैं और पश्चिमी बंगाल के हैं, सभी लोगों का भी स्वागत करता हूँ। इंडियन किसान यूनियन भारत का बहुत बड़ा किसान संगठन है, जो किसानों के विकास और उत्थान का काम करता है।
सैठी धाम में 15 जून को स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। भक्त सुबह से ही लंबी कतार लगाकर नीम करोली के दर्शन को पहुंचे थे। वहीं भारी भीड़ के चलते पुलिस की टीम भी चप्पे चप्पे पर तैनात होकर व्यवस्थाओं को संभालने में जुटी हुई थी। इस दौरान भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। हम लोग आए देहरादून से। हाँ, नहीं ऊपर वहाँ गाड़ी पार्किंग रोक दे रहे, वो व्यवस्था अच्छी है, बाकी कोई व्यवस्था नहीं है। देखो ना, दो घंटे ढाई घंटे से हम लोग खड़े हैं, पर लाइन आगे बढ़ी नहीं रही, लोग बीच में आ रहे हैं, घुसते चले जाते हैं, बस ये व्यवस्था। पुलिस है ही नहीं यहाँ, हम लोग रोके बैठे हैं यहाँ पर लाइन लगा के, व्यवस्था ही नहीं है, पुलिस है ही नहीं है। पब्लिक को वहाँ रोकने के बजाय पब्लिक यहाँ आ रही है, लाइन आगे बढ़ी नहीं रही, पता नहीं कहाँ से कहाँ घुस रहे हैं। बस मेरा नाम संजीव चौधरी है, हम बरेली से आए, हम वहाँ से ट्रेन के मार्ग द्वारा लाल कुआं तक आए, लाल कुआं से फिर जो काठगोदाम में हमने रात्रि विश्राम किया, फिर बस के द्वारा आए, बस हमारी यहाँ भवाली पे रोक दी गई, फिर उसके द्वारा हम पैदल मार्ग से चले आ रहे हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बाबा के दर्शन पाकर हम भवभूत हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, पहली बार आए हम जीवन में, पहली बार आए हैं, पहले प्रयास कई बार किया लेकिन सफल नहीं हुए, लेकिन इस बार बाबा ने हमें बुला लिया और कैंची धाम में आके बहुत अच्छा लगा और व्यवस्था बहुत रहा। कहने शब्दों में इसे बयान नहीं किया जा सकता, मतलब भीतर से आत्मा तृप्त हो गई है, ऐसा लग रहा है, बहुत अच्छा, जाने का मन नहीं कर रहा। मैं यही कहना चाहूंगा कि ये 1964 में ऊपर ही बनाया गया था, तो उसके बाद से दिनों रात इसकी प्रगति हो रही है, लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, बाबा जी का प्रभाव इतना है, तो उसकी कोई था नहीं है, उसका कोई सीमा नहीं होती है। मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि मेरे ग्रैंडफादर का नाम विश्व में पहुँच रहा है, जिन दिन तक पहुँच रहा है। 300 मीटर पीछे तक हमने वहाँ पे रस्से लगाए हुए हैं, बैरियर लगाए हुए हैं, और ये जो श्रद्धालु हैं उनकी जो लाइन है वो लगभग 2 किलोमीटर लंबी हो गई है। मैं लगातार व्यवस्था बनाने में लगा हूँ और श्रद्धालुओं से मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि वो अपने लाइन के बीच में किसी को ना घुसने दें, तो कोई अव्यवस्था नहीं होगी। अगर लाइन में आप लोग बीच में लगने देंगे किसी, तो उससे अव्यवस्था उत्पन्न होती है, और हमारा पूरा फोर्स अलर्ट मोड में है, लगातार सब लोग काम कर रहे हैं, और अब जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, वो साइकिल भी शुरू हो गई है, लोग दर्शन करके वापस आने लग गए हैं, और जो दर्शनार्थ जो श्रद्धालुओं की लाइन है वो आगे बढ़ने लग गई। फिलहाल इतना ही आज की इस खबरों में, धन्यवाद।